Hello guys, you are most welcome again on my channel. Today's topic is drama after Shakespeare. We are doing history of English literature right now. We have completed up to Shakespeare, his works. Now we will be talking about drama after Shakespeare. Causes of decline. We see a great decline in drama, particularly, and in prose after Shakespeare. Particularly drama, we can say there was a great decline. What were the main causes of decline? कहने का मतलब ये है कि जब शेक्सपियर की बात का अगर हम ड्रामा देखें कि शेक्सपियर ने बहुत सारे और हम कह सकते हैं ब्रिलियंट ड्रामास लिखे और प्ले ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेराइट. सो उसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है. कहने का मतलब कि अब हमें वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही जो कि शेक्सपियर के एज में दिखाई दे रही थी. उसका जो मेन कॉज था होता है एग्जॉशन ऑफ क्रिएटिव स्पिरिट. जो एक क्रिएटिव स्पिरिट थी उस पूरी तरह से यूज हो चुकी थी. डिप्रेव्ड टेस्ट ऑफ ऑडियंस. ऑडियंस में बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला इसके बाद. ऑडियंस को यू नो दे वर कमिंग नाउ फॉर ट्राइबल मैटर्स. बहुत ही सिंसियर ऑडियंस नहीं मिलते हमें इसके बाद देखने को. फ्रेवलस स्टेज. जो अब ड्रामा जो लिखे जा रहे हैं बहुत ही फ्रेवलस लिखे जा रहे हैं. उतने ज्यादा सिंसियरिटी उनमें नहीं है जो कि हमें शेक्सपियर के टाइम में देखने को मिलती है. इसके बाद हम बेन जॉनसन के बारे में बात करेंगे जो कि शेक्सपियर के तुरंत बाद इमीडिएट शेक्सपियर आफ्टर शेक्सपियर ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. उन्होंने काफी सारे ड्रामा लिखे, कॉमेडीज लिखी हैं, सटायर लिखे हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन डिटेल. नेक्स्ट वॉज इनसिंसियर स्टेज, फ्रिवोलस स्टेज. ये सारे के सारे कॉजेज हैं. हियर In 1642, just after 26 years after Shakespeare, theatres were closed by Puritans और उन्हें कहा गया था breeders of lies. Remember this thing, it is asked. ये fact काफी important है. 1642 में theatres closed कर दिए गए थे Puritans से, Puritan के द्वारा. और उसमें क्यों कहा गया था, उसमें कहा गया था कि इनको breeders of lies भी कहा गया था. Now let me tell you that I am making a course for literary criticism. It will be a paid course after you know 15 days. It will be available. तो अब हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो Puritans ने question ये है कि why they closed it. उन्होंने theatres को close क्यों किया और उसके पीछे के reason क्या है. अगर हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे उसके लिए हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट प्लेटोस टॉक्स अबाउट ड्रामा एंड पोएट्री. अब आप सोच रहे होंगे कि प्यूरिटन्स एंड इस टाइम का डायरेक्ट कनेक्शन हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्लेटो एरिस्टोटल से क्या है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दोज वीडियोज इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ऑलराइट, सो दे क्लोज्ड. सो दिस इज वन ऑफ यू नो इम्पॉर्टेंट फैक्ट. 1642, रिमेम्बर दिस. और आप इसका कोरिलेशन बना सकते हो 26 इयर्स लेटर यू नो आफ्टर शेक्सपियर. लॉस ऑफ नेशनल अपील. अब आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो अगर हम बेन जॉनसन के प्लेस भी देखें तो उसमें हमें नेशनल अपील देखने को नहीं मिलती जैसा कि शेक्सपियर में हमें मिलती है. ब्यूमेंट एंड फ्लेचर रोट फॉर कोर्टियर्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्यूमेंट एंड फ्लेचर, ये मैंने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा है कि इस टाइम में वो कोर्टियर्स के लिए लिख रहे थे. मीन्स पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, उनको प्लीज करने के लिए लिखा जा रहा है. फॉर शेक्सपियर, इन केस ऑफ शेक्सपियर एंड यूनिवर्सिटी बिट्स, दैट वाज नॉट ट्रू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेन जॉनसन हु इज इम्पोर्टेंट आफ्टर शेक्सपियर. ही वॉज बॉर्न ऑन 1573, डाइड ऑन 1637. ही वॉज बॉर्न ऑन वेस्टमिंस्टर. And 1598 he killed his fellow artist in a duel. 1598 में ये question मुझे I saw that in UP PGT. Okay, this was asked like who killed his fellow artist in a duel. So answer was Ben Jonson in 1598. 1617 Poet to King. He became Poet to King, right? So he was Poet to King in 1617. 1603 to 1615, this was the period
when he wrote his best works. So in his best works, there are some comedies, some satires we have, and they have you know, particular qualities. We will be talking about them. Unke baare mein baat karte hain. Unka jo pehla play tha, The Case Is Altered. Case Is Altered was written in 1598, and it was totally experimental. Like in case of Shakespeare, we had you know, four phases. So first phase was experimental. तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि ये, अगर हम इसी तरह से चौसर का देखें कि चौसर का जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो पीरियड थे उसमें जो फर्स्ट पीरियड है वो एक्सपेरिमेंटल है. सो यूजुअली द राइटर वट एवर दे राइट दे रोट देयर बेस्ट वर्क्स लेटर बट द फर्स्ट पीरियड इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल. दिस इज द कंक्लूजन. इस तरह से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं. His satires are Every Man in His Humor, and this was his first work which brought him great success. And second thing is that in this work he introduced his theory of humor. Unhone isi work mein apni theory of humor introduce kiya tha. You can go through the question that what was Ben Jonson's theory of humor in order to understand it better. Isko thoda aur janne ke liye aap is tarah se search kar sakte hain. इट पाइनियर्स रियलिज्म एंड न्यू क्लासिसिज्म. यही एक वर्क है जहां से हमें रियलिज्म एंड न्यू क्लासिसिज्म के बारे में पता चलता है, और हम कह सकते हैं कि यहां से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हम इस वर्क को मान सकते हैं. ही प्रोपाउंड्स थ्योरी ऑफ ह्यूमर. थ्योरी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन ने प्रोपाउंड्स किया था, उन्होंने दी थी ये थ्योरी. सिंथियाज रिवील विच गॉट पब्लिश इन 1600 रिजल्ट ऑफ क्वेरल विद हिज कंटेम्पररीज. सो देयर वॉज अ क्वेरल and this work was the result. The Poet Esther was the next satire. Now let's come to the Everyman Out of His Humor and Walpone or the Fox. You can get summaries of these works on my channel. Epicone, the Silent Woman. Yeah, woman. All right. W for women. Yahan pe jo W hai, yahan pe women hai. Epicone, The Silent Woman. It was well constructed prose comedy. So this was prose comedy. This is important to remember. Sometimes these questions are asked, which is the prose comedy by Ben Jonson? Sometimes it is asked that in which work he propounds his theory of humor. Okay, so which work was result of quarrel with contemporaries? So you can prepare some questions like this. Epicone or the Silent Woman, well-constructed prose comedy. The Alchemist was overwhelming love for money. So this was the theme of the work. Overwhelming love for money. This was the theme. The Alchemist, you can find the summary as well. The Bartholomew Fair was the mature satiric comedy. And here, there is a very important quotation from this work. It's sports with human follies and not with crimes. So this was the quotation for this work, the Bartholomew Fair. The quotation is sports with humor, human follies and not with crimes. So hopefully you understood this work. There are 4 or 5 more works by Ben Jonson. I didn't have you know, space, but I'll make another video in detail. Till then, bye bye, take care. You can subscribe if you have not already subscribed. You can share and you can WhatsApp me. Bye bye. Take care. See you next video.